हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्लास थर्ड मैथमेटिक्स प्राची पब्लिकेशन. इट इज़ चैप्टर नंबर 4, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, एक्सरसाइज 4.4. इन एक्सरसाइज 4.4 द फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. MCQs आर देयर. व्हाट शुड बी एडेड टू 435 टू गेट 1000? इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए आपको 1000 में से 435 को सब्ट्रैक्ट करना होगा. इन थ्री ऑप्शंस में से आपको एक राइट ऑप्शन मिल जाएगा. सेकंड क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2894. इफ वन ऑफ देम इज 1750 द अदर नंबर इज. सेकंड एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको 2894 में से 1750 सब्ट्रैक्ट करना है. आपको सब्ट्रैक्शन करने पे इन थ्री ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा. थर्ड एमसीक्यू इज देयर आर 7750 एग्स इन अ शॉप. आउट ऑफ देम 3478 एग्स आर सोल्ड. हाउ मेनी एग्स आर लेफ्ट नाउ? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों क्वांटिटीज जो हैं 7750 में से 3478 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आपको अपना राइट आंसर मिलेगा. इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 से हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही है, तो हम वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं. सबसे पहले हम देख रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज जॉन्स मंथली इनकम इज रुपीज 8000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज रुपीज 4690. फाइंड हिज मंथली सेविंग व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इनकम प्लस माइनस एक्सपेंडिचर. यहाँ पे हमें गिवन है कि जो जॉन है, जॉन के जो मंथली इनकम है वो 8000 रुपीज़ है, उसमें से उसने खर्च कर दिए हैं 4690 रुपीज़. तो अब हमें फाइंड करना है क्या उसका सेविंग कितनी हुई है. ठीक है, तो सेविंग फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला भी गिवन है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कैसे करना है, आइए हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं मंथली इनकम हमें गिवन है 8000, एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 4690 और सेविंग का फॉर्मूला हमें गिवन है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. तो इनकम की वैल्यू हम रख देते हैं रुपीज 8000, एक्सपेंडिचर हमें गिवन है रुपीज 4690. अब सेविंग फाइंड करने के लिए हम इन दोनों क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे देखिए 0 माइनस 0 वी गेट 0. 0 इज स्मॉलर देन 9, इट इज नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट. तो हमें अब यहाँ पे बोरोइंग करना होगा. हम 8 से 1 बोरो लेंगे, 8 के पास रिमेन है 7. 10 से 1 बोरो लिया, अब 10 के पास रिमेन है 9. इस 10 से 1 बोरो लेना है. यहाँ पर तो 0 माइनस 0 है, यहाँ बोरो लेने की जरूरत नहीं है हमें. तो अभी फाइनली हमें मिल रहा है 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 6 3 और 7 माइनस 4 3. ठीक है, इस तरह से हमें सब्ट्रैक्ट करना है. इस क्वेश्चन में हम वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर इस तरह से लिखेंगे. हैंस रुपीज 3310 इज हिज मंथली सेविंग. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है. आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज 2% डोनेटेड अ टोटल सम ऑफ रुपीज 9000 फॉर फ्लूड रिलीफ फंड. इफ वन ऑफ देम डोनेटेड रुपीज 6325, फाइंड द डोनेशन ऑफ द अदर पर्सन. इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, कि 2 persons हैं, उन्होंने टोटल डोनेशन किया था 9000 रुपीज. अगर एक पर्सन का डोनेशन 6325 रुपीज है, तो सेकंड पर्सन का डोनेशन कितना होगा. इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है हमें. नंबर 3 में सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं. टोटल डोनेशन हमें गिवन है रुपीज 9000. फर्स्ट पर्सन का जो फंड है वो हमें गिवन है 6325. सेकेंड पर्सन का डोनेशन फाइंड करने के लिए हमें 9000 में से 6325 को सब्ट्रैक्ट करना है. देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे. यहाँ सारे जीरो हैं और जीरो में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें बोरो करना होगा. हमने 9 से 1 बोरो लिया, 9 के पास अब रिमेन है 8. 10 ने अपने पास वाले जीरो को 1 बोरो दिया, तो अब 10 के पास रिमेन है 9. इस 10 ने अब अपने पास वाले जीरो को 1 बोरो दिया, तो अब इस 10 के पास रिमेन है 9. इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 6 2. हमें आंसर हैंस में लिखना है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. हैंस द डोनेशन ऑफ अदर पर्सन इज रुपीज 2675.
यहाँ पे आपका वर्ड प्रॉब्लम नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। आइए अब हम देखते हैं हमारा वर्ड प्रॉब्लम नंबर फोर। वर्ड प्रॉब्लम नंबर फोर इज देयर आर 7,339 बुक्स रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इन अ बुक शॉप। इफ 3,588 ऑफ देम आर रिटन इन इंग्लिश, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन अदर लैंग्वेज। इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक बुक शॉप है, वहां पर जितनी भी लैंग्वेजेस की बुक है वो टोटल बुक्स है 7,339 बुक्स। इन बुक्स में से 3,588 बुक्स इंग्लिश में है रिटर्न, उनका जो रिटर्न लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। हमें ये बताना है कि अदर लैंग्वेजेस की कितनी बुक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर में टोटल बुक्स हमें गिवन है 7,339, इंग्लिश बुक्स हमें गिवन है 3,588, अदर लैंग्वेजेस बुक हमें फाइंड करनी है। तो हमें टोटल बुक में से इंग्लिश बुक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। इसको सब्ट्रैक्शन करने पे हमें फाइंड करेंगे 9-8, 1, 3 इज लेस देन 8, इट इज नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट, वी बोरो 1, हियर रिमेन 2, 13-8, 5, 2 इज स्मॉलर देन 5, इट इज नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट, बोरो 1, रिमेन 6, 12-5, 7, 6-3, 3, सो वी गेट आंसर। हैंस 3,751 बुक्स आर देयर इन अदर लैंग्वेज। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फोर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं द वर्ड प्रॉब्लम नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव इज विच नंबर इज स्मॉलर एंड बाय हाउ मच। हमें टू नंबर्स गिवन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कितना। तो देखिए आप इसके सॉल्यूशन में हमें क्या करना होगा, पहले तो हम कंपेयर करेंगे 7,258 है और 7,285 है। तो यहाँ देख के ही हमें क्लियर हो रहा है कि 58 इज स्मॉलर देन 85। तो स्मॉलर नंबर हुआ हमारा 7,258। अब बाय हाउ मच है उसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको शो कर रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फाइव के सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे स्मॉलर नंबर इज 7,258। हाउ मच के लिए हमें बिग नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी हम 7,285 में से 7,258 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 इज लेस देन 8, इट इज नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट, बोरो 1 करेंगे हम, यहाँ रिमेन है 7, 15-8, 7, 7-5, 2, 2-2, 0, 7-7, 0। इस तरह से हमें पता चलेगा कि ये 27 का डिफरेंस है दोनों में, स्मॉलर और ग्रेटर नंबर में। इस तरह से हमें वर्ड प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करनी है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम नंबर 6। द क्वेश्चन इज फ्रॉम द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हम शो कर रहे हैं जिसमें हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना है 9999 और इसमें से लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका सब्ट्रैक्शन करने पे हमें मिल रहा है 9-9, 0, 9-9, 0, 9-9, 0, 9। ओके, तो हमें इस तरह से लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में से लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करके हमारा ए जो है वो आंसर फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है हमारा 100। तो हम अपने 4 डिजिट नंबर में से लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें मिल रहा है 9-0, 9, 9-0, 9, 9-1, 8 एंड 9। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिल रहा है 9-8-9-9। नाउ इट इज द लास्ट वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 4.4। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर आर 6,400 बैग्स ऑफ वीट इन अ गोडाउन। इफ 2,948 बैग्स आर सोल्ड, हाउ मेनी बैग्स आर लेफ्ट इन द गोडाउन। इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक गोडाउन में 6,400 बैग्स हैं वीट के, गेहूं के, उसमें से अगर 2,948 बैग्स सोल्ड हो गए, बिक चुके हैं, तो अब गोडाउन में कितने बैग्स बचे हैं। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर 7 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे टोटल बैग्स।
सोल्ड बैग्स, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें करना है, तो हमें लेफ्ट बैग पता चलेंगे कि कितने बैग हमारे साथ लेफ्ट हैं। जीरो है यहाँ पर, जीरो से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, हमने बोरो लिया वन, रिमेन थ्री। टेन ने इस जीरो को बोरो दिया, टेन के पास रिमेन नाइन। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेन माइनस एट टू, नाइन माइनस फोर फाइव, थ्री इज स्मॉलर देन नाइन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट, हमने बोरो लिया वन, रिमेन फाइव। थर्टीन माइनस नाइन फोर, फाइव माइनस टू थ्री, इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे। हैंस 3452 बैग्स आर लेफ्ट इन गोडाउन। इस तरह से यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो 4.4 है ये कंप्लीट हो रही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।